सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स इज स्टडीड अंडर द सेक्शन ऑफ सिंटैक्स। सो लेट अस जस्ट बिगिन। किसी भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फाइनाइट वर्ब होगी उसका नंबर और वचन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड होती है, बट नॉट बाय जेंडर। सच एज दे गो। हियर द फाइनाइट वर्ब इज गो। इसका सब्जेक्ट है दे, जो कि थर्ड पर्सन है, और इसका वचन जो है प्लूरल है। ये थर्ड पर्सन और थर्ड प्लूरल नंबर दोनों वर्ब गो को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही गोज। हियर सी गोज। दोस्तों, अपने सब्जेक्ट के नंबर ही एक वचन से अफेक्टेड है, अर्थात गो एक फाइनाइट वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ प्लूरल के साथ प्लूरल के रूप में है, किंतु सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ सिंगुलर के रूप में है। आपको ध्यान देना है कि किसी नाउन के बाद यस या यस लगाने से बहुवचन बनता है, लेकिन किसी वर्ब फाइनाइट वर्ब में यस या यस लगाने से एक वचन बनता है। ध्यान रखें कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो ही नियमों पर आधारित है। कौन सा नियम है दोस्तों? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसका अपवाद देखिए दोस्तों, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल एज ए प्लूरल ट्रीट किया जाता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ वर्ब जो आर है आपकी दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दे से अफेक्टेड है। वी आर वॉकिंग इन द फील्ड। यहाँ आर जो है बी से प्रभावित है। ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी प्रॉब्लम सिर्फ इच एम आर वाज वेयर डू डज हैव हैज सहायक क्रियाओं में होती हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या मुख्य क्रियाओं में। प्रश्न में आपको इज के बदले आर या एम, डू के बदले डज, हैव के बदले हैज का प्रयोग देकर आपसे गलती पूछी जाती है। माई फ्रेंड वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। यहाँ दोस्तों फ्रेंड सिंगुलर है तो वाज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्लूरल लगाकर आपसे गलती कराई है। तो यहाँ आपका सेक्शन बी, यानी कि दिस इज द एरर हियर इन सेक्शन बी। नेक्स्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब होती है, जैसे मोहन इज ऑलवेज लेट। मोहन इज ए सिंगुलर नाउन, सो इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अ बुक हैज़ बीन बॉट। यहाँ बुक सिंगुलर है, सो यू आर यूजिंग हैज़ इन सिंगुलर फॉर्म। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो प्लूरल होता है, यानी कि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए दोस्तों, और दोनों नाउन अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स को रिप्रेजेंट करें, तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम हैव कम। यहाँ दो नाउन राम एंड श्याम, जो कि दो अलग अलग पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और एंड से जोड़ा गया इसलिए हैव का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ राम माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड और राम एक ही व्यक्ति को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हैव नहीं बल्कि हैज का प्रयोग होगा। अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट। हियर टू नाउन्स पेन एंड बुक हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन प्लूरल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए किंतु उनसे पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर टू रिमेंबर कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन पहले के साथ यदि ईच का प्रयोग किया जाए
इन दैट सिचुएशन वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म. सो यदि दो नाउन्स के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स, हियर आर टू डिफरेंट नाउन्स, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी. ईच बॉय एंड गर्ल इज इन्वाइटेड. दोनों नाउन में से किसी एक के साथ ईच का प्रयोग हो तब भी वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होती है. यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति वस्तु भाव का बोध कराएं तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड. यहाँ ब्रेड एंड बटर एक ही खाने के आइटम को शो कर रहे हैं. कुछ ऐसे नाउन्स जो पेयर में प्रयोग होते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है. किंतु ऐसे दो नाउन यदि दो विभिन्न चीज़ों का बोध कराएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, यहाँ क्राउन और ग्लोरी से दो अलग अलग थीम्स की बात की गई है. यदि दो नाउन या प्रोनाउंस को एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एकम्पेनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल बाय, गवर्न्ड बाय, रदर दैन एंड नॉट आदि से जोड़ा जाए तो पहला नाउन या प्रोनाउन जिस वचन में होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी. अर्थात इन शब्दों के साथ जो नाउन फर्स्ट होगा वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि नाउन सेकंड के. एग्जांपल्स, यू एज वेल एज योर सिस्टर वेयर इन द रॉन्ग. यहाँ वेयर का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंग हुआ है. ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड इज कमिंग. यहाँ इसका प्रयोग ही के अकॉर्डिंग हुआ है, ना कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग. ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में सिस्टर के अनुसार वाज और फ्रेंड्स के अनुसार वर का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं. यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर आर से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. जैसे नाइदर यू नॉर आई एम विलिंगिंग टू डू इट. यहाँ एम का प्रयोग दूसरे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हो रहा है. नाइदर यू नॉर ही इज मेकिंग अ नॉइज. यहाँ इसका प्रयोग ही के लिए हुआ है, ना कि यू के अकॉर्डिंग. इस नियम पर आधारित कुछ एरर्स को लेते हैं. नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन टू डेज. तो यहाँ देखिए, नॉर के बाद हिज ब्रदर सिंगुलर है और नाइदर नॉर के साथ सेकेंड पर प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग होता है. तो हिज ब्रदर सेकेंड या दूसरी नाउन है उसके लिए इज का प्रयोग होगा, ना कि आर. सो यहाँ पर आपका इस तरह से एरर पूछी जाती है. यदि सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से जुड़े हों तो जो वर्ब सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसी के अनुसार आती है. जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी. तो यहाँ पर दोस्तों बट के बाद जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है. शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी. ईच आइदर नाइदर के बाद एक वर्ब एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है. ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन बहुवचन में होता है लेकिन वर्ब
एक वचन में होती है, यानी कि इन शब्दों के बाद ऑफ लगेगा तो नाउन बहुवचन में होगी, लेकिन आपकी वर्ब जो होगी एक वचन में होगी। एग्जाम्पल्स लीजिए, ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप। यहाँ ईच ऑफ के बाद देखिए वर्ब मैंगोज बहुवचन में है, लेकिन क्रिया इज का प्रयोग हुआ है। वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। यहाँ प्रोनाउन देम प्लूरल है, लेकिन क्रिया हैज सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वेयर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे। यहाँ एवरी वन के बाद देम का प्रयोग बहुवचन में है, लेकिन क्रिया का प्रयोग एक वचन में होना चाहिए, इसलिए वेयर का प्रयोग ना होके वाच का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 10, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरी बॉडी, सम बॉडी, टूडे, एनी बॉडी, सम वन, नो वन, एवरी वन, एनी वन, एवरी थिंग, समथिंग, नथिंग, एनी थिंग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड। तो जिन प्रोनाउन के अंत में दोस्तों वन लगा हो, बॉडी लगा हो या फिर थिंग जुड़ा हो, जैसे एवरी वन, ठीक है, एनी वन, एनी वन, एनी बडी, एवरी बडी आदि के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, आ फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल होगी, बोथ आर हैप्पी, मैनी वास इनवाइटेड, मैनी वेयर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। अ फ्यू के साथ देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, यहाँ ऑफ यू आपका एक प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है दोस्तों। बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन बहुवचन में, नाउन या प्रोनाउन बहुवचन में और क्रिया भी बहुवचन में आती है। एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, लेकिन मैनी अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ पेन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैनी ए एन के साथ एक वचन क्रिया आती है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब प्लूरल भी होती है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट, द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग। द नंबर के साथ दोस्तों एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है और अ नंबर के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो यह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वेयर देयर, किंतु यदि उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है, जैसे सम मनी इज नीडेड। सम के बाद मनी अनकाउंटेबल है, एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, मिल्क इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वर्ब इज भी सिंगुलर होगी। हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन इनके बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो एक वचन वर्ब को लेता है। एग्जाम्पल्स लीजिए, टू थर्ड्स ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्लाउड। यहाँ लैंड अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज़ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोर देन वन के बाद एक वचन संज्ञा और एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। मोर देन वन रूम इज वैकेंट, सो लुक एट हियर, रूम्स एंड इज बोथ आर सिंगुलर, परंतु मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इट्स वेरी ट्रिकी टू रिमेंबर। मोर टीचर्स देन वन आर लेट, देयर तथा इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। यानी किसी वाक्य की शुरुआत देयर या इट से होती है तो उसके बाद जो वर्ब होगी वह
अपने से बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार एक वचन या बहुवचन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन के साथ एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई आदि का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि इसको यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाए। फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़, दिस इज़ योर प्लूरल नाउन, को हमने एक यूनिट के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगी। 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी, यहाँ 10 टन्स ऑफ कोल, दिस इज़ प्लूरल, लेकिन इसको हमने यूनिट बना दिया इकाई के रूप में, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। 2000 रुपीज़, किंतु यदि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन से भिन्न भिन्न राशियों का या विभिन्न राशियों का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ हैव बीन सेंट, तो यहाँ पर यूनिट को हमने डिवाइड कर दिया। सपोज कि आपके पास 4000 रुपीज़ है, मोर देन 2000 है, जिसमें से आपने 2000 को डिवाइड कर दिया, तो दिस इज़ द डिविज़न ऑफ यूनिट, सो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हु, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट्स के नंबर और पर्सन पर निर्भर करती है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हु, विच, दैट का प्रयोग हो और हु, विच, दैट को हम एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करें, तो इनके बाद हु, विच, दैट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह डिपेंड करेगी अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर या वचन पर। फॉर एग्जांपल आई, हु, आई एम अ टीचर, टीच हियर, यहाँ आई एम हु के बाद है ये, जो अपने से पहले हु से पहले आने वाले आई के नंबर और पर्सन पे डिपेंड कर रही। द स्टूडेंट्स हु आर हियर डिड नॉट डू वेल, यहाँ आर का प्रयोग स्टूडेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। वन ऑफ द इशूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स वॉज रेस्ड, देखें वन ऑफ द इशूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेस्ड बाई मी, यहाँ देखिए वॉज का प्रयोग विच के पहले आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, इसलिए इशूज प्लूरल है, यहाँ वॉज की जगह अगर इशू दैट या विच के बाद, दैट, विच और हु के बाद वर्ब का प्रयोग जो होता है उसके पहले आने वाले नाउन के पर्सन और वचन पे डिपेंड करता है, तो विच से पहले देखिए इशूज बहुवचन नाउन का प्रयोग है, तो वाज को आपको बदलना पड़ेगा बहुवचन में, यानी कि वाज की जगह आपको वेयर करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस।